यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है ठीक है जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इट्स मूविंग टू द राइट साइड ठीक है सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज के इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ठीक है क्या ऑर्डर है इन नंबर्स का कि ये स्मॉलेस्ट यानी जीरो वन टू थ्री एंड इट्स मूविंग टूवर्ड्स द ग्रेटेस्ट नंबर्स ठीक है विद इक्वल स्पेसेस या आप उसको यूनिट डिस्टेंस भी कह सकते हैं तो आप देख सकते हो जीरो से लेके वन तक का डिस्टेंस वन से लेके टू तक का डिस्टेंस टू उसे लेके थ्री तक का डिस्टेंस इट्स ऑफ वन यूनिट ठीक है ये कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है वन यूनिट्स का डिस्टेंस है ओके okay, आगे हम जब और नंबर लाइंस को डिस्कस करेंगे देर इज गोइंग टू बी अ चांस कि वो वन यूनिट डिस्टेंस ना फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो आ, एक सीक्वेंस में हो इन द प्रीवियस वीडियोज वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सीक्वेंस ठीक है हमने पढ़ा था कि uh, जो सीक्वेंसेज है उन नंबर में आते हैं और वो थ्री टाइप्स के होते हैं हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस या तो एडिशन ऑफ नंबर से आते हैं ठीक है दो नंबर्स को ऐड करने से रिपीटेडली ठीक है वो सीक्वेंस बन सकता है या माइनस करने से बन सकता है ठीक है और एक उसमें रिपीटिशन आ रहा था ठीक है हमने ये जो है पढ़ा था सीक्वेंस uh, uh, वाले टॉपिक में ठीक है तो इसी को अगर हम रिलेट करें नंबर लाइन से तो वी कैन बी एबल टू मेक द नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके मुताबिक हम नंबर लाइन को खुद से ड्रॉ कर सकेंगे जैसे एड वाले नंबर्स में अगर आपको वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव सर्कल लेट्स ड्रॉ सर्कल ओवर हेयर के जीरो पे सर्कल है एंड नाउ दे आर सेइंग कि आपने टू स्टेप्स आगे मूव करना है तो विल जंप टू स्टेप्स फॉरवर्ड वन टू तो हम आगे मूव करेंगे तो हम कहां पर जाके लैंड होंगे वी आर गोना लैंड ऑन द नंबर टू इसी तरह अगर हम फिर से इस चीज को कहते हैं कि हमने टू नंबर्स को दोबारा जंप करना है देन वी आर गोना बी एट पॉइंट फोर तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमने हर टू पॉइंट्स के बाद जो है वो आ, 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 आगे मूव करना है एंड ये हमारा सीक्वेंस है ठीक है सिंस ये नंबर लाइन ज़ीरो से लेकर टेंथ तक नंबर शो कर रही हैं कुछ नंबर लाइंस ऐसी होंगी जो आपको आ, सारा सारे नंबर शो नहीं करेंगी वो यानी सीक्वेंस में होंगी और वो सीक्वेंस क्या हो सकता है आइदर इट्स गोइंग टू बी टू फोर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एडिशन ऑफ टू सीक्वेंस में होता जाएगा ठीक है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन सीक्वेंसेस को ठीक है एक छोटी सी एग्जांपल हम लेंगे जिसमें दिस नंबर लाइन ठीक है इस नंबर लाइन की एग्जांपल लेंगे आई फॉर यू ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें इस नंबर लाइन पे द बॉय दैट स्टैंडिंग वो कहाँ लाइक करता है तो इफ़ वी सी एंड वी काउंट वी कैन सी द बॉय नंबर वन इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द विच पॉइंट इट्स एक्चुअली स्टैंडिंग आउट नंबर

इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं next question पे और वो है related to sequence, है ठीक आप देख सकते हो कि फर्स्ट बटरफ्लाई कौन से पे पे है two number पे है इसी तरह अगर हम move करते जाएं तो वी कैन सी द सेकंड बटरफ्लाई एक्चुअली एट द पॉइंट फोर ठीक है फिर पॉइंट कैन सी के इन दोनों नंबर्स में किस चीज का डिफरेंस है यानी ये किस चीज से uh, ज्यादा हो रहे हैं इट्स एक्चुअली द एडिशन ऑफ टू नंबर्स ठीक है इसी तरह फोर में टू नंबर्स ऐड किए इट बिकेम सिक्स राइट फोर में हमने टू नंबर्स ऐड किए इट बिकेम सिक्स इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट बटरफ्लाई इज एट द पॉइंट एट ठीक है तो हमने जब एट को टू mm, को ऐड किया सिक्स में तो इट बिकेम एट सो यू कैन सी द पैटर्न एंड द सीक्वेंस दैट द तो आप, तो आपनेटिफाई करना है कि सीक्वेंस फॉलो हो रहा है या फिर आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा जिसकी नंबर लाइन आपने खुद से बनानी है ठीक है सो विल मूव टू दाइन इन विच है प्रैक्टिस हाउ टू मेक नंबर लाइन राइट

ठीक है रिमेंबर आपने जब नंबर शो करने हैं तो यू आर मेक श्योर के वो इक्वल डिस्टेंस पे आप शो करें जैसे उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप एक इक्वल डिस्टेंस के बाद ड्रॉ करेंगे टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो दिस वॉज वॉट दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी सिंपल नंबर लाइन जो हमें रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में ठीक है अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट की नंबर लाइन इज गोइंग टू बी लाइक दिस अब इसमें हम सारे नंबर्स नहीं शो करेंगे उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है हमें और वो सीक्वेंस क्या है टू फोर टू फोर सिक्स ए तो हम इन ही नंबर्स को नंबर लाइन पे मैंशन करेंगे सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक अ लाइन एंड वी शो दैट दिस इज अंबर टू उसके बाद वेल गर्नम एक लाइन दैट गर्न शो दैट इट्स नंबर फोर इसके बाद दोबारा एक डिस्टेंस के बाद हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे नंबर ड्रा करेंगे और हम उधर लिखेंगे कि इट्स अ सिक्स लाइक वाइज एट अच्छा अब रिमेंबर कि हमने इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो टू नंबर्स का रखा है ठीक है तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई इमेज uh, है या कोई ऑब्जेक्ट है दैट्स टू so, और फोर के दरमियान में जो तो डिजिट आता है वो इस जगह का आंसर होगा ठीक है so, तो अगर टू और फोर के दरमियान में हम सोचे तो क्या नंबर आता है इट्स एक्चुअली थ्री राइट बट वी आर नॉट गोइंग टू मैं हेयर इट्स अ नंबर लाइन ऑफ अ सीक्वेंस और हम सिर्फ उसी सीक्वेंस को यहाँ पर मैंशन करेंगे ठीक है नेक्स्ट नंबर लाइन में आप देख सकते हो कि उसमें क्या सीक्वेंस उन्होंने फॉलो किया हुआ है उन्होंने नंबर फाइव का सीक्वेंस फॉलो किया हुआ प्लस फाइव इज टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी सो वे मेक द नंबर लाइन ओवर हेयर और इस नंबर लाइन में हम क्या करेंगे इस नंबर लाइन में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और हम इस पर नंबर्स मेंशन करेंगे और उन सब नंबर्स में फाइव नंबर्स का गैप होगा ठीक है सबसे पहले हम जीरो मेंशन करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइव देन कम्स टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी

फाइव से लेके ऑनवर्ड्स टेन तक सारे नंबर इस इस एरिया पे शो करते हैं अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ uh, कर दूँ एक लाइन और मैं कहूँ कि इट्स इन द मिडल ऑफ बोथ टेन एंड फिफ्टीन और मुझे इस जगह की नंबर uh, uh, चाहिए कि ये नंबर लाइन पे ये जगह कौन सा नंबर इंडिकेट करती है तो टेन और फिफ्टीन के दरम्या में जो नंबर आता है वील मेक दैट नंबर आर आंसर ठीक है जैसे इलेवन ट and then comes 13, 14, and 15. So we'll say that this number is actually 13. है? So, ये middle में है तो इस, uh, understood ki ये number क्या होगा 13 होगा बहरहाल ये एक uh, example थी जो मैंने आपको शो की कि अगर आपको इस तरह और numbers आ जाए जो आपने आइडेंटिफाई करने हो और वो मार्क्ड ना हो नंबर लाइन पे तो आप उनको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दिस इज द एक्टिविटी दैट वी हैव डन टुडे इन ऑर्डर टू मेक द नंबर लाइंस और कैसे नंबर लाइन के ऊपर हम डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सेम यूनिट डिस्टेंस या एक सेम डिस्टेंस के साथ गोना मेक अनदर नंबर लाइन जिसमें आपको जिसमें आपको मैं असाइन करूँगी वर्क कि आप लोगों ने इस नंबर लाइन में कितने नंबर्स का सीक्वेंस देना है टेन का ठीक है टेन ट्वेंटी थर्टी एंड फोर्टी आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक दिस नंबर लाइन इन योर होम इन योर कॉपी एंड प्रैक्टिस हाउ यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन दैन ठीक है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट उस नंबर लाइन में अगर टेन से लेकर ट्वेंटी के दरम्यान में आती है सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो